21 तारीख को डेट में, और ये लोग जिनको जिनको धान नहीं लिया गया है वो ऑनलाइन खुद से किए हुए हैं अपने हाथ से, और इसमें जितना 72 लोग का जो धान खर्राया है इस पेपर पे, सारा का सारा ऑनलाइन कोई किसान नहीं किया है, बल्कि खुद पैक्स अध्यक्ष करके लिया है धान। अच्छा जी, इसमें कोई किसान अपने हाथ से नहीं ऑनलाइन किया है। क्या अगर किसान किया करता धान ऑनलाइन, तो किसी किसान को जितना धान होता अगर 10 क्विंटल 15 क्विंटल 5 क्विंटल उतना ही होता, बल्कि ये 100 क्विंटल 75 क्विंटल और 200 क्विंटल नहीं होता। क्या लग रहा है कि सब पेपर पे काम हो गया? जी हमको जितना 100% लग रहा है जो पेपर पे काम हुआ है सर। जी 145 क्विंटल धान कितना बीघा में उपजेगा, मतलब 182 क्विंटल धान कितना बीघा में उपजेगा? क्या नाम आप? मेरा नाम सूरज कुमार यादव। पैक्स का नाम? पैक्स सादीपुर। अध्यक्ष क्या नाम? मिस्टर सुजीत कुमार। समस्या ये है जो सादीपुर पैक्स जो है हमारे यहाँ, पैक्स अध्यक्ष अपना मनमाना पेपर पर कारोबार किया है, और कुछ लोग का किसान है जो जिनका 100 क्विंटल है, इसमें गन्ना भी है 5 बीघा में और धान भी है 1 बीघा में, लेकिन उसको 150 क्विंटल धान कहाँ से आया, हम ये जानना चाहते हैं। खरीद हो चुका है वो? खरीद हो चुका है, पेपर पर, पेपर पे हुआ है। जी पेपर पर हुआ है, और हम लोग चैलेंज करेंगे हर आदमी के साथ जाके इंक्वायरी करें, हर के दरवाजे पर पेपरी सही है और गलत है आमना सामनी होनी चाहिए चैलेंज। तो सड़क जाम करने का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? उद्देश्य ये है सर, जो मनमाना हम लोग को जिस समस्या की धान जिन लोगों का है धान नहीं लिया, इस मुद्दा पर हम लोग रोड जाम किए। क्या मांग करना चाह रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करना चाह रहे हैं जो जांच हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पवन कुमार। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। धान खरीद में पैक्स अध्यक्ष पर लगा अनियमितता का आरोप, दर्जनों किसानों ने किया सड़क जाम। समस्तीपुर से अरविंद कुमार। खानपुर सादीपुर पैक्स में दर्जनों ने पैक्स गोदाम पर धरना देते हुए सड़क को घंटों बाधित कर जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप था कि उनके पंचायत के पैक्स अध्यक्ष, सचिव व प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी की मिलीभगत से धान खरीद में घोर अनियमितता की जा रही है। उनके द्वारा बिचौलियों के हाथों किसानों के नाम पर धान खरीदी जा रही है, जबकि वास्तविक किसानों का धान अभी भी उनके दरवाजे पर पड़ा हुआ है। वही किसान फूल कुमार राय ने बताया कि मैं 40 क्विंटल धान पैक्स में बिक्री हेतु ऑनलाइन आवेदन किए, तो वही धनश्याम यादव ने 30 क्विंटल धान व श्री शाह ने 20 क्विंटल धान बिक्री हेतु ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन 1 किलोग्राम भी धान की खरीद सादीपुर पैक्स ने नहीं की। किसान सूरज कुमार ने बताया कि इस पैक्स में अध्यक्ष, सचिव व प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी की मिलीभगत से किसानों का फर्जी पेपर तैयार कर 6000 क्विंटल 45 किलो धान की खरीद दर्शाई गई है, जबकि 1000 क्विंटल धान भी पैक्स में खरीद नहीं की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि कुल 72 किसानों से धान की खरीद की गई है, जिसमें अधिकतर किसान वैसे हैं जिन्हें 5 कट्टा भी जमीन नहीं है। वहीं उनके नाम पर 150 क्विंटल धान की खरीद की गई है, जो पूर्ण रूप से फर्जी है। किसानों ने मांग की है कि अविलंब गोदामों की जांच करते हुए उन किसानों की जमीन का रकबा का भी पता लगाया जाए, जिस रकबे में किसानों ने धान की फसल उपजाई है। जब इस बाबत पैक्स अध्यक्ष ने किसानों का धान नहीं खरीदने को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि कई वैसे किसान हैं जो दूसरे पंचायत के हैं, जिनका धान नहीं खरीद किया गया है। वही आंदोलन कर रहे किसानों ने प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से सभी बिंदुओं पर अविलंब निष्पक्ष जाँच करने की मांग की है। किसानों का आरोप था कि वो खेतीहर किसान हैं और अपना धान बेचने के लिए पैक्स गोदाम व बीसीओ कार्यालय का बीते 15 दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी धान की खरीदारी नहीं की जा रही है। आक्रोशित किसानों ने धमकी दी है कि अगर उनका धान नहीं खरीदा गया तो वो लोग अपना धान लेकर प्रखंड कार्यालय पर पहुंच जाएंगे और धान को वहीं फेंक देंगे। उधर किसानों का आरोप था कि किसान सलाहकार के द्वारा सर्वेक्षण में किसानों की सूची बनाई गई, उसमें भी घोर अनियमितता बढ़ती गई। कहा जा रहा है कि उनके गांव के कुल 72 किसानों का धान खरीदा गया, जबकि सच्चाई ये है कि अभी भी गाँव दर्जनों किसान धान खरीद की राह देख रहे हैं। गौरतलब है कि धान खरीद की अंतिम तारीख 21 फरवरी तक था,
फिलहाल पूरे बिंदुओं की जांच के बाद ही मामला का सही खुलासा हो पाएगा। इस मौके पर किसान सूर्य नारायण राय, पवन कुमार राय, फूल कुमार राय, शाह धनश्याम राय, शिव कुमार राय, सूरज कुमार यादव, राम उदित यादव, राजकुमार राय देवी राय, शिवजी राय, अजय कुमार राय सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। वो तो हमको बोले नहीं कि जो हम इस कारण से तुमको धान नहीं ले रहे हैं। हम भी शादीपुर पंचायत और सिमराहा ग्राम के वासी हैं, तो हमारा धान नहीं लिया जाएगा कैसे? आज मान लीजिए हमारा चाचा भी इसी पंचायत के लोग हैं, उनका धान उनके नाम पर 100 कुंटल, उनका बच्चा के नाम से 53 कुंटल, उनके अपने नाम से 100 कुंटल, 103 जी खरीद हो गया, खरीद हो गया कागजी के थ्रू सर। धान कहाँ जो सर है उनके पास, कागजी थ्रू खरीद हुआ है सर। कितना जमीन है उनके पास 100 कुंटल जाने वाले लोग? सर 15 बीघा के लमसम जमीन होगा या 20 बीघा होगा, इतना ही होगा। उसमें मान लीजिए 10 बीघा धान उपजाया है, उतना धान कहाँ से सर उतना उपजा लेंगे? अगर उसका चेकिंग हो सर, अगर उपजाए हैं तो उनका चेक हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फूल कुमार राय विधायक, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सिखरी सखी चंद्री आय। क्या मांग करना चाह रहे हैं प्रशासन बताइए? सर प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं हम, हमारा जो धान नहीं लिया गया तो किस वजह से नहीं लिया गया? क्या हम इस शादीपुर पंचायत के किसान हैं कि नहीं है? हमने ये ऑनलाइन जो किए सरकारी संस्था के हिसाब से, जब सरकार इसको नियम लागू कर दिए कि अमुक आदमी अगर ऑनलाइन करते हैं तो उसका धान लिया जाएगा, तो सरकार तो पहले सूचना दिए हुए थे, तो हम लोगों ने वैसा भी काम किया, लेकिन हम लोगों को धान नहीं लिया।